उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा ही करते रह जाएंगे, इधर मोदी 2024 की सीक्रेट टीम के साथ मिलकर खेल कर जाएंगे। एक ग्रुप बनाया जाएगा और देखते ही देखते 2024 बीजेपी का हो जाएगा। ये है मोदी का ऑपरेशन 436। मोदी ने अपने त्रिदेव को दी कमान, राहुल गांधी समेत ममता केजरीवाल हैरान परेशान, बन गया कमल खिलाने का प्लान। जी देश में साल 2024 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो नीतीश ममता जैसे नेता भी अपने राज्यों में मोदी को हराने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन ये मोदी हैं, जहां विपक्ष की सोच खत्म होती है वहां से मोदी सोचना शुरू करते हैं। राहुल सर्दी में टी शर्ट दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश में हैं, तो इधर मोदी ने उन लोगों को चुन लिया जिनके ऊपर साल 2024 के लोकसभा चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी होगी। साल 2024 को देखते हुए राजनीतिक जगत में गजब की हलचल है। केंद्र सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में पार्टी मुख्यालय से लेकर पीएमओ तक उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी की इस गहमा गहमी से साफ संकेत है कि मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल होने वाले हैं। मोदी अब उन लोगों को जिम्मेदारी देने वाले हैं जो 2024 का रण जिताने की ताकत रखते हैं। सरकार और पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पुनर्गठन होगा। साल 2024 को लेकर मोदी सरकार का क्या प्लान है और कौन है मोदी के वो त्रिदेव, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको मोदी सरकार के प्लान के बारे में बताएंगे, फिर इन तीन चेहरों से मिलवाएंगे जिन पर मोदी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। तो समझिए, दरअसल ये साफ है कि साल 2023 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके ठीक बाद साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। इसको देखते हुए बीजेपी 20 जनवरी से उन 436 लोकसभा सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती करेगी जहां पर वो पिछला चुनाव लड़ी थी। इन सीटों पर बीजेपी के मंत्री रोटेशन के आधार पर 3 दिन रुकेंगे और केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सूत्रों का कहना है कि हर मंत्री के जिम्मे 7 से 8 सीटें होंगी। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताना होगा। हर लोकसभा सीट के लिए एक ट्विटर हैंडल बनाकर उसमें कम से कम 50,000 फॉलोअर्स जोड़े जाएंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए युवाओं, धार्मिक गुरुओं और समुदायों से संवाद स्थापित किया जाएगा। अब राज्य के हिसाब से मोदी क्या प्लान बना रहे हैं ये भी समझ लीजिए। दरअसल इस साल कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में चुनाव है। जम्मू कश्मीर में भी उम्मीद है। पार्टी के सामने इनमें से 6 राज्यों में सरकार बचाने की चुनौती है। ऐसे में मंत्रिमंडल में वहां के नेताओं को ज्यादा मौका देने पर जोर रहेगा। मोदी सरकार की तरफ से साफ है कि जिन नेताओं ने बेहतर काम नहीं किया उन्हें मोदी की ड्रीम टीम में स्थान नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, साल 2024 के चुनाव को देखते हुए मोदी इससे कहीं आगे की सोच रहे हैं। संगठन में अनुभवी तेज तादार नेताओं की कमी, इसीलिए कम से कम 3 कैबिनेट मंत्री संगठन में लाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। चुनावों को देखते हुए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नेताओं को मौके ज्यादा मिल सकते हैं। 5 मंत्रियों का अतिरिक्त प्रभार कम किया जा सकता है। वो कौन होंगे ये साफ नहीं है। ओबीसी, अनुसूचित जाति और आदिवासी मंत्रियों को तरजीह दी जाएगी। गुजरात की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं को इनाम मिलेगा। हिमाचल, दिल्ली एमसीडी चुनाव में हार का असर मंत्रिमंडल पर दिखेगा। हो सकता है गौतम गंभीर को अच्छा मौका मिले। और ये सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 16-17 जनवरी को होने वाली बैठक में होगा। 23 जनवरी को नड्डा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। बजट सत्र 31 जनवरी से है। ऐसे में नई टीम 18 से 25 जनवरी के बीच गठित की जा सकती है। तो ये तो मोदी का प्लान था। अब उन नेताओं के नाम भी आपको बता देते हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो मोदी के उन त्रिदेव में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर हैं। ये वो नेता हैं, इन्हें जब भी जिम्मेदारी दी गई है इन नेताओं ने उम्मीद से बेहतर काम करके दिखाया है। ऐसे में मोदी साल 2024 को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए इन 3 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। गुजरात चुनाव के रणनीतिकार माने जाने वाले सीआर पाटिल को दिल्ली में अहम भूमिका में लाया जा सकता है। तो एक तरफ जहां तमाम पार्टियां घूमने में लगी हैं, मोदी चुपचाप अपनी टीम बनाने में जुट गए हैं जो उन्हें 2024 का मैच जिताने वाली है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।